टेक्निकल और फोटोग्राफी के बारे में जानने के लिए लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक, आपका स्वागत है टेक्निकल फ़ोटोग्राफी में। तो दोस्तों, अगर आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं और अगर आप अपने MI के फ़ोन से स्लो एक्सपोज़र फ़ोटो लेना चाहते हैं और लेकिन आपके जो MI का डिफ़ॉल्ट कैमरा है उसमें अगर एक्सपोज़र मैनुअल मोड में एक्सपोज़र मोड नहीं है और तो आपको मैं आज एक तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने फ़ोन में उस ऐप को इंस्टॉल करके अपने फ़ोन से स्लो एक्सपोज़र और या स्लो शटर फ़ोटो ले सकते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे वो मैंने लिंक से, तो हम अगर इसे क्लिक करते हैं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्लिक करने के बाद आप इसको गूगल क्रोम में खोलेंगे। गूगल क्रोम में खोलने के बाद MI UI एक थ्रेड्स खुलेगी, तो उस पर लिखा होगा आपको ये MI UI कैमरा विद मैनुअल कंट्रोल 4K रिकॉर्डिंग। तो आप इस फ़ोन से अगर 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आपके फ़ोन में 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो प्रॉपर मैनुअल मोड है MI का और आपके फ़ोन में नहीं है, जैसे Redmi Note 4 में प्रॉपर मैनुअल मोड नहीं है, तो आप वैसे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंक देगा, नीचे लिखा हुआ है MI UI कैम मैनुअल APK, उस पर क्लिक करना है। फिर आप क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। तो यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपकी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। फिर आप उसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो चलिए हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐप खोलेंगे तो ये बिल्कुल MI UI की जो ऐप है या जो MI की कैमरा ऐप है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये उससे जिसका जो मोड है वो बिल्कुल MI के है, जो उसका लुक है वो भी MI का है, लेकिन ऐप दूसरी है। तो आप इसमें मैनुअल मोड अगर खोलेंगे तो आपको इसमें सारे मोड मिलेंगे, आप देख सकते हैं नीचे वाइट बैलेंस, फोकस भी, फोकस आप अपनी तरह से मैनुअली कर सकते हैं, एक्सपोजर टाइम का भी ऑप्शन है, आप इससे लाइट ट्रेल्स वगैरह के फ़ोटो ले सकते हैं, स्लो शटर अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये Redmi Note 4 में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मैनुअल मोड में, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके कर सकते हैं ISO सेलेक्ट करके। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे कोई वीडियो या किसी की फ़ोटो की क्लियरिटी कम नहीं होगी, ये नॉर्मल जो MI का कैमरा है उसकी तरह वर्क करेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा आपको मैनुअल मोड मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें सेटिंग में जा सकते हैं, आपको अलग अलग सेटिंग में जाके इसकी जो फ़ोटो का जो रेशियो है वो चेंज कर सकते हैं, 4:3 की जगह 16:9 कर सकते हैं। इससे आप रिकॉर्डिंग की जो पिक्सल हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसमें सेटिंग में भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा टेक्निकल और फोटोग्राफी से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।